हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिपा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हमने परीक्षा पर अपना अंतिम प्रहार कर दिया है अंतिम प्रहार के आपको दो वीडियो मैंने अपलोड करा दिए हैं फर्स्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर एक में अपने स्ट्रेटेजी पर बात करी है और सेकेंड क्लास में मैंने आपको तारीख पांच को मैंने सुबह के छह बजे आपको शुरू के दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दिए हैं आज की

आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ साथ ही साथ उसका सोलूशन भी देने वाला हूँ कहाँ से पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे मैंने हर एक चीजों को स्ट्रेटजी वाले क्लास में आपको बताकर रखा हुआ हूँ तो बच्चों अगला जो हमारा अध्याय आता है अध्याय तीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं तो उस क्वेश्चन को देखने से पहले क्वेश्चन के पिटारा को खोलने से पहले मैं पहले क्या करूंगा कुछ फार्मूले के बारे में बताऊंगा जो उस पूरे अध्याय में यूज होने वाले हैं तो मैं यहां पर बच्चों आपको हर एक चीजें लिख कर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा आपके एग्जाम के टाइप में आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है तो बिल्कुल आपके पास यूट्यूब देखने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा इसलिए मैंने हर एक चीजों को पहले से लिख कर रखा हुआ जितने फॉर्मूले जितने फॉर्मूले आपको यूज करना है उस चैप्टर के अंतर्गत उन सभी को मैंने लिख कर रखा हुआ है। और यह आपको मिशन 2023 के अंतर्गत भी मिल जाएगा तो वहां पर भी जाकर आप उस फार्मूले को देख सकते हो या यहां पर भी आप इस फार्मूले को पढ़ सकते हो लेकिन जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके सॉल्यूशन के लिए आपको मिशन 2023 के अंतर्गत जाना ही पड़ेगा उसका मैं लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप उसी प्रश्न को जाकर पढ़ेंगे पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बताता हूं उसी क्वेश्चन को मिशन 2023 के अंतर्गत के आपको देखना रहेगा अगर आपके पास यूट्यूब देखने के लिए भी टाइम नहीं है तो बिल्कुल बच्चों आप स्क्रीन ले लेना है यहां पर क्वेश्चन को और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने वाला हूं तो मात्र दस मिनट इस वीडियो को अच्छे से देख लेना समझ लेना चलिए तो अध्याय तीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने से पहले यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है जो इस अध्याय में हमें यूज करने होते हैं फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि बच्चों यहाँ पर शुरू लाइन में ही मैं पढ़ता हूं ना तो सर मुझे यहां पर यह नजर आ रहा है कि A x B x C 0 को मानक वर्ग समीकरण कहते हैं अब कई बच्चे यहाँ पर दिमाग लगाएंगे सर इसको तो आपने बहुपद में भी बताया था यह बहुपद है कि आपका वर्ग समीकरण होगा तो बच्चों याद रखना याद रखना कि जो बहुपद होता है वो व्यंजक से मिलकर

आपको क्या दिख गया सर बराबर का चिन्ह हमें दिख चुका इक्वल टू का साइन नजर आ चुका बेहतरीन तरीके से मैंने यहां पर लिखा हुआ चलिए आगे कुछ और कहानी लिखी गई है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं आज कोई दिक्कत नहीं होगी सर यहां पर लिखा है कि कोई भी समीकरण द्विघात या फिर वर्ग समीकरण तभी होगा जब उसका बाया पक्ष द्विघाती बहुपद होगा। देखिए बच्चों बहुपद के प्रकार भी होते हैं मैंने हर एक चीजों को आपको बताया हुआ मिशन 2023 के अंतर्गत तो यहां पर बोला गया है कि कोई भी समीकरण द्विघाती या फिर वर्ग समीकरण तभी होता है जब उस समीकरण का बाया पक्ष उस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड अगर क्या हो बच्चो एक द्विघाती बहुपद हो क्या हो द्विघाती बहुपद हो अब यहां पर मानक समीकरण लिखा गया उसको देखिए इसके बाएं पक्ष को देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है यहां पर अब अपनी फोकस अगर यहां पर अपनी नजरों को दौड़ाएंगे ठीक है पूरा कॉन्सेंट्रेट इस पर करो ठीक है बराबर के बाद जीरो को छोड़ दो इतने बस को आप देखोगे इतने बस को आप देखोगे यहां पर तो आपको क्या दिखेगा ये एक द्विघाती बहुपद आपको दिखने वाला है जहां पर जो चर है इसकी अधिकतम घात क्या है बच्चों दो है क्या है दो है और ये एक द्विघाती बहुपद होने वाला है तो ऐसे ऐसे समीकरण को द्विघाती बहुपद द्विघाती समीकरण कहते हैं जिसका बाया पक्ष क्या होता है द्विघाती बहुपद होता है बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने के चांसेस बनता है ये आपका कॉन्सेप्ट है द्विघाती समीकरण से संबंधित ठीक है सर इसको हमने समझ लिया अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने तीन फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ से बिल्कुल एक न

तो तीन प्रकार के हम यहां पर कंडीशन अप्लाई करते हैं मूलों की प्रकृति में सबसे पहला आता है यदि डी का जो मान है वो जीरो से छोटा हो अब जीरो से छोटा हो का मतलब क्या होता है डी का मान मतलब जीरो से छोटा कब आ मतलब कि जीरो से छोटा मतलब कि डी का मान ऋणात्मक आएगा भाई जीरो से छोटा क्या आएगा जीरो से छोटा ऋणात्मक ही संख्या आने वाली है ना तो यदि डी का मान अगर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है खैर अब ये डी का मान कैसे निकालते हैं मैं आगे आपको बताने वाला हूँ डी को हम क्या बोलते हैं विभेदक बोलते हैं क्या बच्चों बच्चो विभेदक भी बोला जाता है ठीक है सर यहाँ तक की भी हमें कहानी समझ में आ चुकी है ठीक है

होते एवं समान होते हैं एवं समान एक बार इसी क्वेश्चन को पूछ लिया था कि यदि d बराबर जीरो है विभेदक का मान शून्य है तो मूल कैसे होंगे तो मूल कैसे होंगे मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं बिल्कुल ये आपका आंसर आने वाला है जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर का यहां पर दिया गया कि यदि डी का मान जो है वो शून्य से बड़ा आ जाए तो शून्य से बड़ा क्या आएगा धनात्मक ही संख्या आने वाली है ना तो यदि डी का मान शून्य से बड़ा हो जाए या फिर धनात्मक आपको मिल जाए तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो मूल होते हैं ना वो वास्तविक होते हैं लेकिन असमान होते हैं दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है दूसरा और तीसरा में यहां पर मूल वास्तविक एवं समान दोनों थे ठीक है यहां पर मूल वास्तविक है लेकिन जो मूल है वो असमान होते हैं अलग अलग हमें मान प्राप्त होते हैं बिल्कुल सर हमने तीनों कंडीशन को अच्छे से समझ लिया यहां पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं चलो सर यहां पर हम और क्या लिख सकते हैं कि d क्या है जहां करके आप लिख लो जहां जहां d क्या है बच्चों विभेदक है जिसे हम विवितर भी कहते हैं और d को हम निकालते कैसे बच्चों d को हम निकालते कैसे तो d को निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर सर इसको हम निकालते हैं बी स्क्र माइनस फोर ए सी से ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रखना है जहां डी बराबर क्या होता है डी क्या बच्चों विभेदक है और डी को निकालने का तरीका सर ये होता है विभेदक बोल दो या फिर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो है वो आपको इसको विविकतर भी बोल दिया जाता है तो दोनों एक ही चीज होने वाला है बिल्कुल बच्चों इसको स्क्रीन शॉट लेकर रख लो मेरे साइड हो चुका है स्क्रीन शॉट लेकर रख लो बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेना है जो अध्याय में यूज होने वाले सारी चीजों को मैंने क्लियर करा दिया है। और कुछ बातें पर दी गई है क्या बिल्कुल यहाँ पर कुछ और दिया गया है जो आपको इस अध्याय में उपयोग करने हैं चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको अध्याय एक में भी देखने को मिलता है बहुपद में भी देखने को मिलता है और अध्याय तीन में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि क्या कि सर मूलों का योगफल मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अध्याय एक में अध्याय एक में इसी को शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल बोल दिया जाता है दोनों का फॉर्मूला एक होता है अध्याय एक में इसको क्या बोल देते हैं बच्चों कि शून्यकों का योगफल क्या होगा तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है और अध्याय एक में हमने हमने सुबह वाले ही क्लास में क्या देखा हुआ था कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है ना बच्चों वो सी अपॉन ए होता है है। यहाँ पर में सुनक न बोलकर क्या बोल दिया गया है मूल बोल दिया गया है कि मूलों का योगफल बराबर क्या होता माइनस बी अपॉन ए और मूलों का बराबर सी अपॉन ए होता है बिल्कुल इसको स्क्रीन शॉट ले लेना है अगर बच्चों देखो दो नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है आपको क्या करता है कि मूलों का योगफल दे देता है और मूलों का गुणनफल दे देता है तब आपको बोलता है कि वर्ग समीकरण बनाइए दो नंबर के लिए या फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ही नंबर के लिए दे, दे दिया जाता है आपको दो चीज यहां पर दे दी गई है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ठीक है? है चलो मूलों का मान के चलो कि योगफल आपको दे दिया गया पांच और मूलों का गुणनफल आपको दे दिया गया बारह क्या बारह दे दिया गया तो वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे तो उसके लिए वर्ग समीकरण बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है इसको याद रखना। सर ये होता है एक से अल्फा प्लस बीटा इसके साथ गुड़ा में क्या एक सा है? फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो होता है ये वर्ग समीकरण बनाने का तरीका होता है जब मूलों का योगफल एवं गुणनफल दिया दिया जाता हो ठीक है चल अब देखिए तो बच्चों मैं यहां पर बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि आपको मूलों का योगफल दे दिया गया चलो कितना दे दिया गया चलो मान लो कि दस दे दिया गया ठीक है दस दे दिया गया और मूलों का जो गुड़न है चलो मान लेते हैं कि बारह दे दिया गया है ठीक है तो अब क्या करोगे यहां पर आपको मान लो वर्ग समीकरण बनाना है तो कैसे करोगे एक से स्क्वायर को लिखे माइनस लिखे अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर कितना दिया गया बच्चों दस दिया गया और यहां पर ब्रेकेट की जगह रखेंगे दस और गुड़ा में क्या है दस दस को चिपका देना बिल्कुल से चिपका दिया

यहां पर एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है श्री धराचार्य सूत्र इसी को हम सूत्र विधि भी बोलते हैं यहां से हम क्या करते हैं जो आपको समीकरण दिया जाता है उस समीकरण में हम चर का मान निकालते हैं और यहां पर बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम मान निकाल लेते हैं। सर यह फॉर्मूला क्या होता है तो एक तो माइनस अंडरवुड बी स्क्वे माइनस फोर ए सी अपॉउंट टू ए होता है ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको स्क्रीन शॉट लेकर अपने अपने मोबाइल के वॉलपेपर में सजा लेना है बार बार देखोगे जितने बार देखोगे ना ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे बस ये पहला नंबर का स्लाइड और ये आपका दूसरा नंबर का स्लाइड ये इतने फॉर्मूला आपको अध्याय तीन के अंतर्गत यूज करने को मिलते हैं तो चलिए बच्चों अब हम अपने अध्याय तीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा खोलने जा रहे हैं और ये खुल चुका है आपका पिटारा आपको बेहतरीन तरीके से सजाया गया यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पांच प्रश्न पांच प्रश्न दिख रहा है ये कौन सा अध्याय का होने वाला है तो ये सर अध्याय तीन का है अध्याय तीन कौन सा है बच्चों अध्याय तीन है हमारा एक चर का द्विघात समीकरण एक चर का द्विघाती समीकरण अध्याय तीन अध्याय थीन यहां पर मैंने दिया एक चर का द्विघाती समीकरण के यहां पर मैंने आपको पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं ठीक है ये ओनली डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा मिशन दो में जाना ही पड़ेगा वहां से आप इसको देखेंगे अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो आपको मिशन दो का मैं यहां पर लिंक डाल दूंगा

टाइम पास करने की जरूरत क्या है ठीक है बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो मैं आपको टाइम देता स्क्रीनशॉट लेने के लिए आई होप मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चलिए अब हम बढ़ते हैं अध्याय चार की ओर तो अध्याय चार के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा खोलने से पहले फिर से क्या करेंगे पहले उस अध्याय में जितने फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं सबको मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूं और यहां पर सब चीज मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है टाइम की बचत करने के लिए आ जाइए चलिए तो बच्चों अगला जो अध्याय आता है ना हमारा अध्याय कौन सा है सर ये है अध्याय चार जिसका नाम है समांतर श्रेणी क्या बच्चों समांतर श्रेणी जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं सर ये समांतर श्रेणी क्या होता है चलो इसको मैं समझा देता हूँ वैसे तो मैंने सब चीजें सब चीजें आपको यूट्यूब सीरीज के अंतर्गत जो हमारा मिशन दो चल रहा था वहां पर समझाया हुआ हूँ एक बार और समझ लेते हैं देखो तो समांतर श्रेणी किससे कहते हैं कि संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रथम पद या बनती है। समांतर या फिर कहलाती है अब यहाँ पर बच्चों एक उदाहरण दिया गया है, एक तीन पांच सात नौ यहाँ पर आप मुझे देखकर बताओ कि एक समांतर श्रेणी होगा कि नहीं तो समांतर श्रेणी होने के लिए क्या बोला गया कि पद के अतिरिक्त तो यहां पर प्रथम पद आपको क्या दिखेगा देखो सर यहां पर ना प्रथम पद तो हमें दिख रहा है ये एक तो एक के अलावा अगला जो पद आएगा वो कौन सा है सर? तीन है सर अब ये तीन जो है अपने पहले वाले पद से पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या में जुड़कर या फिर घटकर बनता है तो यहां पर कितना देखो बच्चों तीन मिला है तो एक में हमने क्या जोड़ा है या फिर क्या घटाया है कि तीन मिला है तो आप लोग कहोगे कि सर जब हमने एक में ना धन दो जोड़ा है दो जोड़ा है तो हमने हमें क्या प्राप्त हुआ सर यहां पर तीन प्राप्त हुआ अगले वाले पद में जाएंगे तो पांच में पहुंच चुका तो पांच में देखेंगे इसके पहले वाला पद कौन है सर यहां पर तीन है क्या है बच्चों तीन है तो तीन में हमने क्या जोड़ा है कि पांच मिला है फिर से बोलोगे कि सर हमने दो जोड़ा है तो सभी जगह देखो यहां पर एक से गए हैं तीन में तो कितना जुड़ा हुआ है सर यहां पर ना दो जुड़ा हुआ है तीन से गए हैं हम पांच में तीन से हम गए हैं तो यहाँ पर भी दो जुड़ा हुआ है ठीक है अब पांच से अगर हम गए हैं सात में तो यहाँ पर भी दो जुड़ा हुआ है तो निश्चित संख्या में यहाँ पर जुड़कर हमें एक संख्याओं की श्रृंखला प्राप्त हुई है जिससे हम कहते हैं समांतर श्रेणी क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं और समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद बच्चों ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी का हम प्रथम पद कैसे फाइंड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है आपको एक नंबर के लिए एक नंबर के लिए यहां से क्वेश्चन कर लेता है आपको कोई भी एक समांतर श्रेणी दे दिया जाएगा वहां से पूछ लेगा कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है तो पहला नंबर कहीं प्रथम पद कहलाता है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर बिल्कुल एक है क्या है बच्चों एक है तो प्रथम पद ए बराबर सर ये हो चुका एक बिल्कुल ठीक है देखो अब यहां पर देखो इस समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या में जुड़कर क्या हो रहा है एक श्रृंखला प्राप्त हुई है तो जो निश्चित संख्या होती है ना जो निश्चित संख्या जुड़ते या फिर घटते हैं उसी निश्चित संख्या को हम हम सार्व अंतर कहते है, में में कहते हैं हैं जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी क्या कहते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस या फिर सार्व अंतर जिसे कहा जाता है जो निश्चित संख्या में जुड़ता या फिर घटता है उसी निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं जिसे हम कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सार्व अंतर डी बराबर अब सार्व अंतर d बराबर कैसे निकालते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सर इसको निकालने का तरीका ये होता है कि हमने द्वितीय पद में द्वितीय पद पद में प्रथम पद को माइनस कर देंगे द्वितीय पद ऋण प्रथम पद कर देंगे तो हमें सार्व अंतर का मान यानी कि कॉमन डिफरेंस का मान पता चल जाएगा तो यहाँ पर बच्चों आपको एक श्रृंखला दी गई है श्रेणी दी गई है ठीक है यहाँ पर आपको बताना है कि इसका यहां पर सार्व अंतर क्या होगा तो सबसे पहले आप ढूंढोगे पद पद को तो तो द्वितीय यहां पर दिख रहा है तीन, ठीक है तीन दिख रहा है अब ऋण का चिन्ह लगाओगे और प्रथम पद को लिखोगे तो प्रथम पद आपका क्या आता है बच्चों एक आता है तो यहां पर सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कमान तो हो चुका दो तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है बिल्कुल सर हमने इसको भी समझ लिया अब देखो चलिए यहां पर तीन स्टार लगाकर और मैंने तीन बातें लिखी हुई हैं तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर लिखी हुई है सर क्या क्या लिखी है चलो चलो एक करके इसको पढ़ते हुए चलते हैं देखो सबसे पहला लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का एनुआ पद अगर आपको समांतर श्रेणी का एनुआ पद निकालना है ठीक है बच्चों आपको क्या करेगा एक समांतर श्रेणी दे दिया जाएगा चलो इसी समांतर श्रेणी को दे दिया गया है और आपको पूछ लेता है कि समांतर श्रेणी का सौवा पद कौन सा होगा सौवा पद का मान कौन सा होगा तो निकालने का फॉर्मेट क्या होता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे सर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है जहां ए क्या है बच्चों ए क्या है प्रथम पद है एन क्या है एन क्या है एन क्या है बच्चों ये है आपका पद कौन सा पद आपको निकालना है जैसे कि मुझे इस समांतर श्रेणी का अगर सौवा पद निकालना है तो एन की जगह मैं क्या रखूंगा सौ रखूंगा अगर मुझे समांतर श्रेणी का दो सौ पद का मान निकालना है तो एन की जगह मैं क्या रखूंगा दो सौ रखूंगा ठीक है यहां पर माइनस वन कर देंगे ठीक है उसके बाद डी क्या है तो डी क्या है बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि सार्व अंतर है कॉमन डिफरेंस है सर सबका मान रख देंगे फिर फिर क्या हो जाएगा आपको जो पद का मान पूछा जाएगा उस पद का मान आप आसानी से ज्ञात कर लोगे बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी हमें समझ में आ चुकी है ठीक है ये यहां पर देखो समांतर माध्य लिखा हुआ है यहां से भी आपके एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन करते हैं दो नंबर के लिए ठीक है आपको क्या करेगा आपको ए और बी का मान दे देगा ए और बी का मान दे देगा और पूछ लेगा कि उसका समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? ए बराबर सर ये होता है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी अपॉन में टू बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है ठीक है अब यहाँ से यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं तो बच्चों समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल निकालने का दो फॉर्मूला होता है एक ही फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा शुरू वाले फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा लेकिन लेकिन अगर आपको अंतिम पद का मान दिया गया है तो दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो उस क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको लगता है कि सर मुझे यही बस फॉर्मूला याद हुआ है तो बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले से भी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे समांतर श्रेणी के जितने भी पदों का योगफल निकालने के लिए कहा गया आप इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे लेकिन अगर आपको एल का मान दे दिया गया है तो अपने समय की बचत करने के लिए आप दूसरे वाले फॉर्मूले का अप्लाई कर दोगे तो वहां से भी आपको समांतर श्रेणी के पदों का फल मिल जाएगा ठीक है यह फॉर्मूला पढ़ना है अध्याय चार के अंतर्गत अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा ओपन करना चाहते हैं और यह आपका पिटारा हो चुका है ओपन जहां पर मात्र चार ही क्वेश्चन मात्र, और मात्र चार ही यहां पर दिया गया है, है सोल्यूशन के, के, तो के, के लिए आपको मिशन दो हजार तेईस के अंतर्गत जाना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन का आपको मात्र सोल्यूशन ही चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों यह कौन सा अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहां पर देख लो अद्याचार अध्याय अध्यायर कौन सा है सर हमारा है समांतर श्रेणी बच्चों मैं साइड हो चुका हूं ले 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 लो ले लो बिल्कुल ले लेना है है चलिए ठीक तो आज की इस क्लास में वापस से बच्चों मैंने आपको शाम बजे वाली क्लास में दो अध्याय के अगले दो अध्याय यानी कि अध्याय तीन और अध्याय चार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया है अब आपकी बार याती पढ़ना आपको पढ़ना है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे रहा हूं आपको बस पढ़ाई करना है दस घंटे याद रखना दस

मुझे तो सब चीज़ आता है है मैंने बहुत किया, बहुत किया किया मेहनत इस आत्मविश्वास के साथ अब जब अपने परीक्षा हॉल में उतरोगे तो बिल्कुल देखना आपको सफलता मिलने वाली है आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है बच्चों तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल बच्चों लाइक कर देना है अगर किसी भी तरह का आपको डाउट आता है तो उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है और दोस्तों तक इस इस वीडियो को शेयर करना है हम मिलेंगे कल की क्लास में 6 तारीख वाली क्लास में जहां पर मैं अगले दो अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच